बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे। अब इस डिस्कशन के अंदर हम फिज़िकल नेटवर्क्स को ही आगे लेकर चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल नेटवर्क्स जो है उसको हम किस तरीके से आपस में कनेक्ट करते हैं। अब जो फिज़िकल नेटवर्क को जो हम कनेक्शन की हम बात करेंगे, फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क की, उसको हम डेटा कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के अंदर वी कॉल दैट टोपोलॉजी, नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज हम उसको कहते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो है उन्होंने जो डिफरेंट टोपोलॉजीज डिफाइन की हैं वो डिफाइन की हैं चार टोपोलॉजीज, मैश, स्टार, बस और रिंग। हाउएवर, मैं जब कभी भी अपने कॉलीग्स या अपने स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि टोपोलॉजीज जो बेसिक हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, चार बेसिक काइंड ऑफ टोपोलॉजीज हैं, लेकिन इसके अंदर एक टोपोलॉजी जो है वो और होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड टोपोलॉजी। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड टोपोलॉजी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? दैट समटाइम्स इन 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 लार्जर नेटवर्क्स, इन बिगर नेटवर्क्स, व्हाट वी डू इज दैट कि हमें डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है और समटाइम्स वी कनेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर। हो सकता है कि कहीं पर जो है वो बस नेटवर्क चल रहा हो या रिंग नेटवर्क चल रहा हो या कहीं पर स्टार चल रहा हो और जो दूसरी जगह पर वहाँ पर मैश हो, तो मैश को और रिंग को आप आपस में कनेक्ट करा देते हैं, तो ये मिक्स्ड या इसको हाइब्रिड का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजीज। ठीक है, वैसे हाइब्रिड का वर्ड यूज़ किया जाता है, इट्स बेटर टू यूज़ द वर्ड हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग वी विल डिस्कस ओनली द बेसिक, मैश, स्टार, बस एंड रिंग। ठीक है, हाइब्रिड, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम जब हम आपको ये चार पता होंगे तो यू कैन ऑटोमेटिकली मेक हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जनाब, अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी मैश टोपोलॉजी से। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है और मैं वहाँ से जो है आपको ये कॉन्सेप्ट बताना शुरू करूँगा डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, तो बात हमारी अब स्टार्ट हो गई है जनाब मैश, मैश टोपोलॉजी से, नॉट मैथ्स, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये देखें, इस वेबसाइट के अंदर भी इसने जो है ना वो बताया हुआ है कि ये हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है होती है। वैसे हम चार को डिस्कस कर रहे हैं, हाइब्रिड इज जस्ट मिक्सचर ऑफ दैट। तो स्टार्ट करते हैं जी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? अच्छा, इस मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो अभी हमने बात की थी, किसकी बात की थी? फिजिकल नेटवर्क की, फिजिकल लिंक की। अभी यहाँ पर लिंक की बात हो रही है। ठीक है, अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये जो लिंक होता है ना, फिजिकल पाथ जो मैंने बताया था, पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, ये जो पाथ है ये हर होस्ट, याद है होस्ट की भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये जो फिजिकल पाथ है हर होस्ट एक दूसरे से डायरेक्टली खुद ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे कनेक्ट होगा। अब आप इस डायग्राम को अगर आप देखें तो देखें, ये अगर एक होस्ट है और ये एक होस्ट है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कनेक्शन हो गया। इस होस्ट को इस होस्ट से देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। इस होस्ट को इस होस्ट के साथ देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया। यहाँ तक कि आप हर होस्ट को आप देखेंगे तो हर होस्ट दूसरे होस्ट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बेसिस पे कनेक्टेड है। ऐसे लिंक्स को, ऐसी टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। तो ये जो फिजिकल लिंक है इसको आप एज भी कहते हैं। अगर कभी इस तरह हो जाए कि आपको एज का वर्ड सामने आ जाए तो डोंट गेट कन्फ्यूज, इट्स कॉल्ड एज एंड इट्स कॉल्ड लिंक एज वेल। ठीक है, इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज होते हैं। अब ये जो दो कंप्यूटर्स हैं या दो होस्ट, आई वुड रादर यूज द वर्ड होस्ट, होस्ट जो है इनके दरमियान जितनी भी एजेस हैं इनको मैश टोपोलॉजी में कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया है। ठीक है, और वो फॉर्मूला है एन, इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, अगर इफ आई कैन राइट इट, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। वो होता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, अब इसको हम करके देखते हैं कि ये हुआ क्या, कैसे। अब देखें, हमारे पास जो ये नोड्स हैं, या इसको आप होस्ट कह लें, नोड्स कह लें, एक ही बात है,
हमारे पास कितने होस्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक हो गया। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 5, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 5 4 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास टोटल 10 एजेस बनेंगे या 10 लिंक्स बनेंगे, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपसे कोई कहे कि मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ लिंक्स कैलकुलेट करो और नोड्स इतने हैं या होस्ट इतने हैं, तो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई मेश टोपोलॉजी, ये आपका एक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं अपनी दूसरी टोपोलॉजी। दूसरी जो हमारे पास काइंड ऑफ, अच्छा बिफोर बिफोर डूइंग दिस, मैं आपको इसके थोड़े से एडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी बता देता हूँ। अब इसमें देखिए, इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है मेश टोपोलॉजी का, वो ये कि एक तो ये सिक्योर्ड हो जाती है। देखिए, इसके दरमियान, इनके दरमियान कोई दूसरा होस्ट या कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है, तो इनकी जो कम्युनिकेशन आपस में है दैट गेट्स वेरी सिक्योर्ड, ठीक है। अच्छा, और अच्छा इतफाक से इन्होंने यहाँ पे ये इसका फार्मूला भी बताया हुआ है, गुड। अच्छा, और दूसरा जो है इसमें क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन होती है रोबस्ट, मतलब कि रिलायबल होती है और फास्ट होती है। दो चीज़ें, एक तो सिक्योर होती है, फास्ट होती है, और आपका रोबस्ट होती है, मतलब रिलायबल होती है। डिसकनेक्शन वगैरह का आपको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो एक ही पाथ है, दोनों उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इसने ये लिखा है कि नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज आर देयर, डेडिकेटेड लिंक होता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो फास्ट हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, क्योंकि वो लिंक उन दो कंप्यूटर्स या दो होस्ट के लिए ही होता है, ठीक हो गई बात। और ये सिक्योर होता है, ठीक हो गई बात। अच्छा, और ये जो होता है ये रिलायबल होता है, ये तीन चीज़ें मैंने भी आपको बता दी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इसका फॉल्ट डिटेक्शन जो होता है वो ईजी होता है। अब कल को अगर देखें, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, इनका आपस में चल रहा है, अगर यहाँ से कोई लिंक ब्रेक हो जाता है तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये वाला लिंक ब्रेक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला होस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी चलता रहेगा, राइट। तो ये एक इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें देख के नज़र आ रहा है कि तारों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बड़ा नेटवर्क होगा तो उसमें तारें तारे हो जाएंगी एक कमरे के अंदर, ठीक हो गई बात। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अमाउंट ऑफ वायर्स जो है रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच सिस्टम इज टीडियस एंड अ हेडेक, ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स अगर होंगे तो जाहिर सी बात है आपका वो बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ एजेस जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे। और इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर कोई बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहें तो आप उसको नहीं बना सकते, कितना आप कितने तार इस्तेमाल कर लेंगे या कितने लंबे तार इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये मेश टोपोलॉजी इज नॉट रियली अ गुड आइडिया इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। आगे चलते हैं जनाब, स्टार टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में बड़ा मज़े का एक ये टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो एक हब के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। याद है मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो हब होती हैं, जो कि अब रेयर है। अब यहाँ पर रेयर कहने का मकसद वो ये है कि यहाँ पर जो हब है ना, अब इसकी जगह स्विचेज इस्तेमाल होने लगे, इसकी जगह पर अब स्विचेज इस्तेमाल होने लगे। लेकिन आप इसको हब समझ लें, हब में क्या होता था कि तमाम जो नेटवर्क के ऊपर होस्ट हैं वो कनेक्ट हो जाते थे हब के साथ, और हब को मैसेज ट्रांसफ़र होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ दिस होस्ट वांट्स टू कनेक्ट और कम्युनिकेट विद दिस होस्ट, सो व्हाट दिस होस्ट विल डू, इट विल ट्रांसमिट द डेटा टू द हब, एंड द हब विल ट्रांसफर द डेटा टू ऑल ऑफ देम। अब ये वाला जो है वो होस्ट कनेक्ट कर होगा हब के साथ, तो वो पहले चेक करेगा कि ये जो मैसेज आया ये मेरा है कि नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। ये वाला भी उसको रिजेक्ट कर देगा, ये वाला भी रिजेक्ट कर देगा, और ये वाला जो होस्ट है वो कहेगा हाँ ये मैसेज मेरे लिए, ओके द मैसेज विल गेट एक्सेप्टेड। तो ये एक हब है। स्विच क्या करता है, स्विच के पास इन तमाम होस्ट के आईपी एड्रेसेस या उनके एड्रेसेस होते हैं, राइट। सो व्हाट इट डज इज कि उसको पता होता है, वो एक स्मार्ट डिवाइस है, कि ये वाला जो मैसेज इसको देना है वो इस वाले होस्ट के लिए है, तो वो सिर्फ इसी को ट्रांसमिट करेगा, बाकी तीन को ट्रांसमिट
नहीं करेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस आ गया हब और स्विच का। बट व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन कनेक्ट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्टार टोपोलॉजी दैट ऑल द होस्ट आर कनेक्टेड टू अ हब, ओके, एंड दैट हब ट्रांसमिट्स द मैसेज ऑनवर्ड टू द डेस्टिनेशन और टू द डेस्टिनेटिंग होस्ट। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है, वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये क्या है कि जब मेश टोपोलॉजी को हम देख रहे थे, वी न्यू इट कि द नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स और द फिजिकल पाथ्स या जिनको हम एजेस कह रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ वायरिंग और द नंबर ऑफ पाथ्स गेट्स रिड्यूस्ड। जितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट और यू वॉन्ट टू चेक, आपके जो फार्मूला था जो मैंने वहाँ पे एन मेश टोपोलॉजी में बताया था आपको, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिंपली आपका एन हो जाएगा। ओप्स, इट्स वेरी बैड एन, मैंने एन अच्छा नहीं बनाया। ये देखिए ये नंबर ऑफ एन हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके एजेस होंगे, ये वाले एजेस, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स आपके उतने ही होंगे, पाँच हैं तो पाँच ही हो जाएंगे। ठीक हो गई बात, वेरी सिंपल। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड्स वन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड नीड्स टू बी कनेक्टेड विद हब विद वन लिंक, यही मैंने आपको बताया। ईजियर टू इंस्टॉल होता है, लेस अमाउंट ऑफ केबल्स चाहिए होते हैं, रोबस्ट होता है, इफ़ वन लिंक फेल्स अदर लिंक्स विल वर्क जस्ट फाइन। रोबस्ट का मतलब यही होता है कि देखिए अगर एक लिंक बैठ जाएगा बाकी जो है ये कनेक्ट ही रहेंगे, ये चलता रहेगा, नेटवर्क पूरा नहीं बैठेगा। सेम यहाँ पर भी यही था कि ये रोबस्ट था कि अगर ये लिंक फेल हो जाएगा तो बाकी आपस में कनेक्टेड है वो चलते ही रहेंगे, सिर्फ ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेम इज़ द केस हियर कि अगर ये लिंक ख़राब हो जाए बाकी होस्ट विल गेट कनेक्टेड एंड दे विल वर्क फाइन। तो ये मसला होता है रोबस्ट का। अगर आपसे कहीं कहे कि इफ़ यू वॉन्ट टू डिफाइन अ रोबस्ट नेटवर्क और रोबस्ट टोपोलॉजी, सो यू कैन सिंपली से स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी वो रोबस्ट होती है। आगे चलते हैं जनाब, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक हब ये जो है कनेक्ट अगर ये ख़राब हो जाए पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, सिंपल। और वो यही है, दूसरा वाला भी इससे कनेक्टेड ही है, क्या उसकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है क्योंकि वो सेंट्रल आपका सिस्टम है। तो दैट्स व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी। फिर आती है जनाब आपकी बस टोपोलॉजी, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि ये अक्सर यूज होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक आपकी जो है ना केबल होती है, मेन केबल लाइन, जिसको आप जो है ना यहाँ जिससे आप डिफरेंट होस्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गई, मेन लाइन इसको कहते हैं। और ये जो डिफरेंट आपके होस्ट होते हैं ये कनेक्ट होते हैं ड्रॉप लाइन के थ्रू, यानी कि आपका जो कह लें कि ये जो आपका फिजिकल पाथ है इसको, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है इसको आप ड्रॉप लाइन कहते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप लाइन है। तो एक मेन केबल होती है आपकी, मेन केबल जा रही होती है जिससे आपके होस्ट कनेक्ट होते हैं ड्रॉप लाइन के थ्रू, और जिस जगह पे ये केबल से ज्वाइन होती है ड्रॉप लाइन इसको आप टैप कहते हैं, टैप, TAP, टैप, ये लिखा हुआ टैप, ठीक है आपका, ये इसको आप टैप कहते हैं, ये आपका टैप हो जाएगा। अच्छा, ये मेन लाइन से केबल जो कनेक्ट हो बस टोपोलॉजी उसको कहते हैं, ड्रॉप लाइन के थ्रू वाया टैप्स। अच्छा, ये इसमें जो है आप इस तरह समझ लें इसको कि ये एक मेन केबल जा रहा है आपका, जैसे फाइबर ऑप्टिक आपका मेन होता है, उससे आप टैप के थ्रू डिफरेंट आप अपने नेटवर्क्स आपने कनेक्ट किए हुए होते हैं बस टोपोलॉजी के अंदर। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, इसकी इजी इंस्टॉलेशन होती है बहुत, ओके। और ये जो आपकी केबल है ना इसको आप बैकबोन केबल भी कहते हैं या मेन केबल भी कहते हैं, इससे आप सबको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपके जो है ना वो लेस आपके केबल चाहिए होते हैं। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आपकी ये केबल ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन एंड नॉट स्केलेबल, मतलब कि आप उसको बड़े नेटवर्क्स के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको ये फिर केबल ये वाली बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसको आपको बहुत बड़े लेवल पे आपको कनेक्ट करना पड़ जाता है। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी है। फिर आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये आपस में सारे होस्ट कनेक्ट होते हैं और ये रिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या मेन एडवांटेज है आपका कि एक ही केबल चल रही होती है वो आपस में कनेक्ट होती है, मेन एडवांटेज है। ईजी टू इंस्टॉल है एंड मैनेजिंग इज ईजियर
एज टू ऐड रिमूव अ डिवाइस फ्रॉम टोपोलॉजी ओनली टू लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करना चाहूँ एक नोड को यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा कि इसको आपस में एक यहाँ पर नोड बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोड बनाया और यहाँ पर मैंने उसको डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया, तो इसकी इंस्टॉलेशन ईजी हो जाती है और ये रिंग टोपोलॉजी जो है वो यहाँ से यू कनेक्ट होगी और ये यहाँ से यू निकल जाएगी। ठीक हो गई, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी ईजी होती है। इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ एनोटेशन। ठीक है, अच्छा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर एक केबल टूट गई तो पूरा आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। अ लिंक फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क एज अ सिग्नल विल नॉट ट्रेवल थ्रू ड्यू टू फेलियर डेटा ट्रैफिक इश्यूज सिंस ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग इन अ रिंग। इसमें ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका डेटा जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो डेटा ट्रैफिक आपका बढ़ा देगा, विच मीन्स कि अगर ये नोड आपका कनेक्ट करना चाह रहा है इसके साथ, इट हैज़ टू वेट, क्योंकि अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। ठीक हो गए, तो दो डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया रिंग टोपोलॉजी के, अगर यहाँ से केबल टूट जाए तो आपका पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, दूसरा ट्रैफिक बढ़ने की सूरत में द होस्ट हैज़ टू वेट टू कम्युनिकेट टू द अदर होस्ट, ये आपकी रिंग टोपोलॉजी। तो जनाब ये जो है आपका कह लें कि हमारा जो रिंग जो फिजिकल टोपोलॉजी है, चार टाइप की आज हमने डिस्कस कर ली, इनके मैंने फार्मूला भी बता दिया आपको, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जो स्टार स्टार टोपोलॉजी का एन है, बस टोपोलॉजी का भी एन है और रिंग टोपोलॉजी का भी आपका जो है वो मतलब एक ही होगा, राइट, जो रिंग है वो एक ही होगा, एक ही कनेक्शन है इसका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि रिंग टोपोलॉजी में आईबीएम ने एक नई इनोवेशन क्रिएट की थी, और उसमें उसने क्या किया था ये आपको शायद आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस होगा। उसमें क्या किया था कि इसने इसको डबल रिंग कर दिया था, कि इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया, तो ये डबल रिंग हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन था वो यूँ था, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो कनेक्शन था वो क्लॉकवाइज था, डबल रिंग टोपोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से था, इस तरीके से, ठीक है, इसका फ्लो यूँ था, इसका फ्लो यूँ था। इसमें क्या होता था कि एक आपको अगर यहाँ से केबल टूट भी जाए, ख़राब भी हो जाए, तो आपके पास ये बाई डायरेक्शनल जो थी ना कम्युनिकेशन चलती रहती थी, यूँ आपकी बाई डायरेक्शनल आपकी जो है ना कम्युनिकेशन ख़राब नहीं होगी या नेटवर्क आपका बैठेगा नहीं। तो ये आईबीएम ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और इसके साथ वो क्या करते थे कि इसको वो टोकन एक होता था, टोकन रिंग कहते थे, टोकन रिंग, वो टोकन जाता था और जिस जिसके पास वो टोकन पहुंचता था होस्ट के पास, वो वहां से आपका मैसेज भेजना शुरू कर देता था, क्योंकि बारी उसकी होती थी, राइट, जिस यहाँ पर टोकन आ गया उसकी बारी है, तो वहां से उसके पास अगर डेटा होता था तो वो फिजिकल पाथ के ऊपर अपना डेटा ट्रांसफर कर देता था। तो ये एक डबल टोकन रिंग जो थी वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक एडिशन जो थी वो आईबीएम ने इनोवेट की थी, और ये एक जो है मैंने सोचा कि आपको मैं एडिशनल बता दूं। तो आई होप कि आपको ये तमाम जो टोपोलॉजीज हैं वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।